हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान कुंज ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में आज अपन ये जानेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग या आरपीएससी द्वारा विभिन्न नौकरियों के ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, तो वर्तमान समय में या फिलहाल कौन कौन से नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन आरपीएससी ने जारी किए हैं वो जानेंगे, और साथ में उन पर फॉर्म का ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे वो भी घर बैठे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि राजस्थान लोक आयोग ने कौन कौन से नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किए हैं। जैसे अभी देखो, ये भी 13 तारीख का हुआ है, स्कूल लेक्चर का, असिस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का, सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड, टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए, और साथ ही स्कूल हेडमास्टर के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं कि इन नोटिफिकेशन जो जारी हुए हैं उनका ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, हमें अपने मोबाइल या कंप्यूटर में एक ब्राउज़र ओपन करना होगा और उस ब्राउज़र में हमें लिखना होगा आरपीएससी ऑनलाइन। जैसे अपन आरपीएससी ऑनलाइन करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों एक पेज है वो ओपन होगा, और इस पेज के ऊपर सबसे पहले आरपीएससी वेब पोर्टल है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ पर क्लिक करने के साथ ही एक और नया पेज ओपन होगा दोस्तों। जैसे ये पेज, इसमें दोस्तों हमें यहाँ नीचे राइट साइड में कोने में हमें एक अप्लाई ऑनलाइन का अपन क्लिक करेंगे दोस्तों, पेज है वो हमारे सामने ओपन होगा एसएसओ पोर्टल का। और दोस्तों, अगर आपने एसएसओ आईडी क्रिएट नहीं की है तो एसएसओ आईडी क्रिएट कर ले दोस्तों। एसएसओ आईडी कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे एसएसओ आईडी बनाई जाती है, इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वो वीडियो आप पूरा देखिए और एसएसओ आईडी क्रिएट कर लीजिए। क्योंकि आरपीएससी की जितने भी हमें ऑनलाइन आवेदन करने हैं दोस्तों, वो एसएसओ आईडी के द्वारा ही होंगे। राजस्थान की कोई भी रिक्रूटमेंट हो, वर्तमान में एसएसओ आईडी सबके लिए लागू कर दी है। इसको अपन किस प्रकार बनाएंगे, कैसे इसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उस लिंक पर जाकर एसएसओ आईडी कैसे बनाई जाती है के बारे में आप सीख सकोगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एसएसओ आईडी का यूज़र नेम यहाँ पर अपन टाइप करेंगे दोस्तों, और यहाँ उसका जो पासवर्ड है वो टाइप करेंगे, और यहाँ ये जो कैप्चर हमें दिख रही है, ये जो कैप्चर वो डालेंगे दोस्तों। जैसे मैं कैप्चर डाल रहा हूँ, और जैसे अपन लॉगिन करेंगे दोस्तों, यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ये एसएसओ आईडी का नया पेज हमारे सामने ओपन होगा, तो हमें दोस्तों यहाँ एक रिक्वायरमेंट पोर्टल हमें ढूंढना है दोस्तों, रिक्वायरमेंट पोर्टल। देखिए दोस्तों, ये पहले यहाँ शो हो रहा है, सबसे पहले में यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन हैं वो दोस्तों दिखाई देंगे यहाँ, लेकिन आपको केवल रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ही आपको क्लिक करना। हो सकता है कि दोस्तों ये आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो शो ना हो दोस्तों, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप नीचे इसको खिसकाओगे, और नीचे जहाँ अल्फाबेट आर चल रहा है उस रो में ये हो सकता है। तो हालांकि मेरे यहाँ ये फर्स्ट में दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको आधार कार्ड नंबर ये मांगेगा, और एक ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगी दोस्तों। हालांकि मैंने ऑलरेडी मेरे आधार कार्ड नंबर हैं वो इसमें डाल दिए हैं, तो इसलिए सीधा ये पेज है ये ओपन हो गया दोस्तों। जब आप पहली बार एसएसओ आईडी से आरपीएससी की पोर्टल से आप लॉगिन होंगे, तो पहली बार आपको यहाँ आधार कार्ड के नंबर मांगेगा, और जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज है उस मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी भेजेगा दोस्तों। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो दोस्तों पहले उसको अपडेट करवाएं, वो 5 या 7 दिन में अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करेगा। क्योंकि ये जैसे आधार कार्ड अपन यहाँ टाइप करते हैं तो ओटीपी उन मोबाइल नंबरों पे भेजता जो हमारे पास आएगी नहीं, अगर हमारे मोबाइल नंबर सही नहीं हो। यदि आपके मोबाइल नंबर आधार कार्ड में सही है तो ओटीपी आएगी, और वो ओटीपी यहाँ पर डालनी पड़ेगी। जैसे वो ओटीपी अपन डालेंगे तो हमारे सामने जो फ्रंट पेज अभी फिलहाल ये दिख रहा है, ये पेज शो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी यहाँ अपन
जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो हमें यहाँ दिखाई देंगे दोस्तों। यहाँ इस बार में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस बार में आपको जो रिक्रूटमेंट है वो दिखाई देंगे दोस्तों। अभी फ़िलहाल हम हेडमास्टर सेकेंडरी स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे, जो मैं पहले ही अप्लाई कर चुका हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ ये हो रहा है अप्लाई, ठीक है। ये अभी आपकी कॉलम में इस साइड में आपका नहीं दिखेगा, क्योंकि ये यहीं शो करेगा दोस्तों। यहाँ पर कहीं ना कहीं शो यहाँ करेगा ये दोस्तों, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये अप्लाई कर चुका हूँ दोस्तों। तो इसको मैं अपडेट करूँगा, अभी आपको दिखाऊँगा कि इसमें कौन कौन सी जानकारी है, वो आपको किस तरह से भरने, वो सारी बातें मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों। तो आप इस राइट साइड में जा कर के यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो अप्लाई नाउ है, जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो वो पेज है वो ओपन हो जाएगा दोस्तों। और वो पेज ओपन होने के साथ ही आपके आगे की जो इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा। तो चलिए दोस्तों, अपन हेडमास्टर सेकेंडरी स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं। और अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आज जारी किया है 13 तारीख को व्याख्याता के लिए दोस्तों, तो वो भी यहाँ इस कॉलम में आपको दिखाई देगा। जैसे ये, क्योंकि अभी तो अगले महीने से वो शुरू होने वाले हैं, हाल ही में वो शुरू नहीं हुए हैं, तो अगले महीने से शुरू होंगे, तो आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ से अप्लाई करता हूँ और ये कहाँ तक भरा दिया गया है वो सारी डिटेल है वो हमारे सामने हो जाएगी। मैं आपको एक एक स्टेप है वो आपको मैं बताऊँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पहले बार देखिए, यहाँ 4 बिंदु हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 ये है दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन। नंबर 2 पर्सनल डिटेल है, जिसमें अपन अपने खुद की जो जानकारी है वो देंगे। और नंबर 3 में है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो यहाँ अपन अब जो भी अपनी क्वालिफिकेशन है वो इसमें डालेंगे। और आइडेंटिफिकेशन इनक्लोजर, यहाँ अपन अपनी पहचान कुछ देंगे और जो संबंधित डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। नंबर 3 की मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ, नंबर 3 की बात यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों। पहले मैं यहाँ आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, 10th 12th MA BEd जो भी हैं, वहाँ उनकी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। और साथ में उनकी एक फाइल है JPG या PDF फॉर्मेट में आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। नंबर 1 में यहाँ सारी डिटेल अपन चेक करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखिए क्या करते हैं। यहाँ अपना नाम है वो SSO ID से ऑटोमेटिकली उठा लेगा, केवल आपको बशर्ते केवल हिंदी में दोस्तों, हिंदी में ही आपको टाइप करना पड़ेगा। अगर दोस्तों, अगर आप मोबाइल से टाइप कर रहे हो तो कीबोर्ड में ऑलरेडी हिंदी होगी, अगर आप कंप्यूटर में से टाइप कर रहे हो तो इसके लिए आपको गूगल इनपुट टूल्स जो होती है वो डाउनलोड करनी होगी। गूगल इनपुट डाउनलोड कैसे की जाती है उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। वो टाइप करने के बाद आपको अपना नाम और अपने पिता का नाम हिंदी में, हालांकि अंग्रेजी में ऑलरेडी SSO ID के द्वारा ही अपने आप ये ले लेगा दोस्तों। उसके बाद अपनी माता का नाम है वो अंग्रेजी में टाइप करना और इस कॉलम में आपको हिंदी में टाइप करना दोस्तों, ठीक है। यहाँ जो आपकी DOB है वो ऑटोमेटिकली SSO ID से ले लेगा दोस्तों। अगर यहाँ पर कोई अपने नाम, पिता के नाम, अपने जन्म तिथि में कोई गलती है तो आप पहले SSO ID को अपडेट करें। SSO ID को अपडेट कैसे करते हैं, मैंने इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है कि SSO ID कैसे बनाएं, उसमें सारी बातें मैंने अपडेट के लिए बताई हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उसके बाद दोस्तों, यहाँ मैं बात करूँ, नीचे आपकी कैटेगरी है वो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर अगर आप विकलांग हो तो आप यहां से उसको चेंज कर सकते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है। फिर अपना यहां धर्म है और धर्म के बाद मैरिड है, वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ डालनी है दोस्तों। फिर अगर आप मैरिड हो तो अपने जीवन साथी का क्या नाम है वो यहाँ आपको डालना है, और जीवन साथी का यहाँ नाम आपको हिंदी में डालना है, ठीक है दोस्तों। फिर विवाह पंजीकरण नंबर कितना है वो यहाँ डालना है, और 2002 से पहले या बाद में आपके कितने बच्चे हैं वो डालने दोस्तों। यहाँ आपके मोबाइल नंबर होंगे, यहाँ आपकी ईमेल आईडी होगी दोस्तों यहाँ, और यहाँ आपका आधार कार्ड ऑलरेडी SSO ID से ये उठा लेगा, ठीक है। अगर पासपोर्ट नंबर है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो रहने दीजिएगा।
भामाशाह आईडी है तो डाल दीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा। अब अप्लाई ऑनलाइन के लिए जो आवेदन आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं तो वहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। दोस्तों यहाँ आप अनुसूचित जाति के क्षेत्र के हो तो यस कर दीजिएगा, यदि नहीं हो तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ अपने पत्राचार का पूरा पता है वो लिखिएगा, और आपका पत्राचार पता या फिर परमानेंट या स्थायी पता सेम है तो आप इस कॉलम पर जाकर आप इसको टिक कर दीजिएगा, तो जो ऊपर जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ लास्ट में जाकर के दोस्तों नेक्स्ट करना है। मैं आपको शो कर देता हूँ दोस्तों, देखिए ये देखिए यहाँ आपको नेक्स्ट करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने एक दूसरा पेज ओपन होगा, और वो जैसे ही पेज ओपन होगा तो उसकी अपने पर्सनल डिटेल है वो ऑलरेडी इसमें भरी हुई होंगी। अगर नहीं भरी हुई हैं तो आप यहां से इसको अपडेट कर सकते हो। आपकी राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है, स्टेट कौन सा है, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप राजस्थान कर दीजिएगा, यदि आप राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य के हैं तो यहाँ अपने आवश्यकता के अनुसार अपने राज्य को चुन सकते हैं, और राज्य में जो भी अपना जिला है वो चुन सकते हैं, और जिले में जो तहसील है वो चुन सकते हैं, और उसमें जो गाँव पड़ता है उस गाँव चुन सकते हैं, ठीक है। यदि आप इस कॉलम के ये दिखाना स्टेलेड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री पूरे स्थापित है, यदि आप हो पहले से किसी अन्य दूसरे देश से आप यहाँ आके बस गए हो इंडिया में तो आप यहाँ यस कर सकते हो, यदि नहीं बसे हो जन्म से आप यहीं हो तो नो कर दीजिएगा। दोस्तों फिर आपकी जो कैटेगरी है उसके अनुसार इसमें करना है, जैसे यदि आप भूतपूर्व सैनिक अक्स सर्विसमैन हो तो आप यस कर दीजिएगा, अगर हो तो आपकी जो पीपीओ नंबर है रिक्वायरमेंट डेट वो सारी आपको भरनी पड़ेंगी, यदि आप अक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ नो कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यदि उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दिए। इन सारे कॉलमों में दोस्तों आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यस और नो, यस और नो कर सकते हो। इसके बाद यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने एक अगला पेज है वो ओपन होगा, जिसके अंतर्गत हमारी जो क्वालिफिकेशन है ये देखिए दोस्तों यहाँ ये क्वालिफिकेशन के बारे में सारी डिटेल है वो मांग रहा है, तो मैं यहाँ क्वालिफिकेशन में डाल रहा हूँ और एक साथ डालने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों क्वालिफिकेशन टोटली जानकारी भरने के बाद आप अगले बिंदु पर चलते हैं कि यदि आपने आरपीएससी कोई भी एग्ज़ाम से आपको बाहर कर दिया हो तो उसका विवरण आप यहाँ दे यस कर दे, वरना आप इसको नो रखें। अगर आप यस करते हो तो सारी डिटेल इसमें आपको भरने पड़ेगी। यदि आप आरपीएससी के द्वारा परीक्षा से बाहर किए हुए हो किसी कारणवश तो आप यस कर दीजिएगा, वरना नो रखिएगा। और यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसकी सारी डिटेल इन कॉलमों में देकर इसको नेक्स्ट करना दोस्तों, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे इसका अगला पेज है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ एक ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ देखिए जो फोटो है उसकी मैक्सिमम जो साइज है वो 100 KB होनी चाहिए और मिनिमम है वो 50 KB होनी चाहिए। दोस्तों 50 KB से वो कम नहीं होनी चाहिए उसकी साइज, और 100 KB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर वाला पैनल में जो सिग्नेचर की कैप्चर है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप फोटो कैप्चर करो तो अपने मोबाइल में अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आप फ़ोटो को रिसाइज कर लें, इसके लिए बहुत सारे ऐप आते हैं। यदि आप कंप्यूटर में इसकी फ़ोटो को अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे फ़ोटो की रिसाइज कर सकते हैं, फ़ोटो की साइज छोटी बड़ी अपन कर सकते हैं। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए बॉडी मार्क, आपको जो भी कोई पहचान चिन्ह है अपने शरीर पर जो भी है, कहीं पर कटा है फटा है, अगर कटा प्राकृतिक रूप से कटा है तो वो माना जाएगा, जैसे लोहे से कट गया है, कुल्हाड़ी से कट गया है तो वो मारक चिन्ह है वो माने नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए ऐसा आप बॉडी मारक दीजिए जो आपकी एक विशेष पहचान हो। ये करने के बाद दोस्तों आप इसको यहाँ से नेक्स्ट कीजिएगा, और नेक्स्ट करने के बाद अपने फाइनल स्टेज पर अपन आ जाते हैं, और फाइनल स्टेज के अंतर्गत हमें वो प्रीव्यू दिखाता है दोस्तों कि अपने किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, वो यहाँ दिखा देता है, आपकी फ़ोटो यहाँ दिखा देता है, अपना पिता का नाम, माता का नाम, यानी वो सब जानकारियाँ इसमें आप एक बार पहले चेक कर लें कि इसमें जो जानकारी आपको जो आपने भरी हैं या जो आपकी होनी चाहिए वास्तव में वही हैं या गलत हैं। यदि वो गलत हैं तो आप नीचे जाकर यहाँ अपडेट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से
यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। यदि जानकारी गलत है तब, यदि सही है तो आप आगे की प्रोसेस कीजिएगा। पे फॉर, पे फीस के लिए आप करोगे। आप ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू पे फीस। हाँ, मैं पे फीस है वो जमा करवाना चाहता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो फीस है 250 रुपये, टोटल चार्ज इसका 250 रुपये यहाँ आया है दोस्तों। और वो जमा कराने का तरीका, ये पे फीस आगे कीजिएगा, ये देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर भी आप, मतलब अगर आपकी गलती नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट कीजिएगा, वरना इसमें आप अपडेट कर सकते हैं। हाँ, मैं पे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे ही करेगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन या ई मित्र एग्रीगेटर के द्वारा होगा। तो दोस्तों यहाँ ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अगर आप ई मित्र से करवाना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से या यूपीआई कार्ड से, अगर आप ई मित्र से, ये सॉरी दोस्तों, यहाँ अगर आप नेट बैंकिंग से करवाना चाहते हैं, यदि आपका पर्सनल अकाउंट ऑनलाइन है, तो आप कौन से बैंक है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इसमें ये जो बैंक देख रहे हैं, आप इन्हीं बैंकों से ऑनलाइन है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर अपने पास दूसरा ऑप्शन एग्रीगेटर से है, तो यहाँ पर भी आप कोई बैंक है तो वो चुन सक, सॉरी बैंक तो यहाँ नहीं आएगा, केवल इंडस बैंक का यहाँ दे रखा है। एक ये बिल डेस्क आती है, आरआरपी, राजस्थान गवर्नमेंट की एक ऑनलाइन पोर्टल है, तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो आप कर सकते हो, या ये वो कर सकता है जो ई मित्र का होता है वो कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हो जैसे, तो आप यहां से कर सकते हो। लेकिन मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, सबसे जो बेस्ट है वो आप नेट बैंकिंग से कीजिएगा दोस्तों। और जैसे नेट बैंकिंग का मैं करूं, जैसे एसबीआई का बैंक है, तो यहां से ग्रुप करूं और पे नाउ, ठीक है दोस्तों। और जैसे अपन पे नाउ पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने उस बैंक का जो मेन साइट है वो खुल जाएगी। तो देखते दोस्तों, ये अभी क्या है, मेंटेनेंस इसका चल रहा है, तो फिलहाल इसका पेमेंट नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये जानकारी है वो पूरी समझ में आई होगी। अगर दोस्तों कोई भी फॉर्म भरते वक्त आपको समस्या आती है, तो मुझे कमेंट लिखिए, ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि शायद मैं आपकी हेल्प है वो कर सकूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अपन इसमें बैग चलते हैं, अभी ये बैग नहीं हो रहा है, अपन होम पेज पे आ गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मान लीजिए आपका प्रोसेस बीच में रह गई हो नेट की वजह से, तो वो क्या है कि ऑटोमेटिकली आपका जो पेज है वो सेव होता रहेगा। तो आप दोबारा जो फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो, वो यहाँ से दोस्तों यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ से उठकर, दोस्तों यहाँ से उठकर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ से उठकर, यहाँ से उठकर आप जो अप्लाई कर रहे हो वो उठकर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा हो ना माई एप्लीकेशन, यानी फिलहाल जो एप्लीकेशन आपका चल रहा है वो यहाँ शो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपने अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा है तो वो यहाँ कोई शो नहीं होगा, तो यहाँ से आप उसे दोबारा है वो अपडेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। जैसे अपना अमाउंट है अभी वो पे नहीं हुआ है, तो जैसे अपन फाइनल स्टेज पर चलेंगे, तो नॉर्मली जो बेसिक जो इंक्वायरी है वो दोबारा अपने को भरनी नहीं पड़ेंगे, ये अपने को नेक्स्ट ही करना है दोस्तों। से केवल ये कि सेम जो एड्रेस है उस पर टिक करके आप नेक्स्ट कीजिएगा दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप नेक्स्ट करेंगे तो एक बाई स्टेप स्टेप ऑटोमेटिकली आगे चलता रहेगा, उसमें आपको भरना नहीं है क्योंकि ये सेव हो चुका है दोस्तों, ठीक है। इसको नेक्स्ट करते रहेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद अगला पेज नेक्स्ट होगा, ये देखिए नेक्स्ट कीजिएगा दोस्तों। तो सभी जो अपने डेटा फीड किए हैं वो सेव ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, हमें दोबारा बार बार भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गया है तो अपन दोबारा यहीं से खोलेंगे दोस्तों, ठीक है। और पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो अगली वाली जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ इसका स्टेटस दिखा रहा है, देखो फीस है वो पेंडिंग दिखा रहा है। जब इसकी फीस आप पेमेंट कर दोगे और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा, तो तब आपको ये फाइनल प्रीव्यू है, फाइनल प्रिंट आपको देगा, तो आप इसको फाइनल प्रिंट कर ले। यदि आपसे फाइनल प्रिंट में कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट आप कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ होम पेज पर दोबारा, और अपना जो मेन डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देखो तीन ऑप्शन है दोस्तों, होम पेज ये फिलहाल खुल रहा है, ठीक है। और माय रिक्रूटमेंट कौन से हैं,
कि अपने आपने अभी किन किन के लिए अप्लाई किया है। देखो अप्लाई एडिट एप्लीकेशन, गेट एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, गेट रिजल्ट, यानी ये सारे ऑप्शन आगे जब अपन एग्ज़ाम दे देंगे तो हर काम में हमें SSOID काम में आएगी। अगर दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर SSOID आपने अभी तक नहीं बनाई है, वो कैसे बनाई जाती है, किस प्रकार हम अपने आप बना सकते हैं बिना ई मित्र की सहायता से, तो उस वीडियो का मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों। तो आप उस वीडियो को पूरा देखें और उस वीडियो को सेंड भी करें अपने दोस्तों के पास ताकि उन सबकी सहायता हो जाए। तो दोस्तों ये करने के बाद जब सारा काम अपना ओके हो जाए तो इसका प्रिंट आउट ले लें और फिर दोबारा बैक SS ऊपर आप दोबारा आ जाए। बाय चांस यहाँ से आपको मतलब साइट है वो हैंग हो गई या किसी कारण से आप पूरा भर नहीं पाए तो आपको दोबारा SSO से लॉगिन करना पड़ेगा। पहले आपको RPSC ऑनलाइन वाले पेज पर जा करके ये ऑटोमेटिकली SSO पे आ जाएगा और जैसे SSO पे आ जाएगा तो आपको रिक्रूटमेंट यहाँ से आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप जैसे कोई एप्लीकेशन आप देख रहे हो, एप्लीकेशन आपने ई मित्र SSOID के द्वारा कहीं डाली है तो उसका जो स्टेटस है आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, यहाँ जो भी स्टेटस है वो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये देखने के बाद अपनी सारी डिटेल आप दोस्तों चेक कर सकते हो। तो ये SSOID आप मतलब घर बैठे सारी काम कर सकते हो बिना ई मित्र की सहायता, बिना किसी कंप्यूटर या क्यूज़ की सहायता से आप कर सकते हो। और भामाशाह कार्ड कैसे बनाया जाए ये यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आपने अभी तक भामाशाह कार्ड नहीं बनाया तो वो भी बना ले। कैसे भामाशाह कार्ड बनाया जाता है उसका भी, उस वीडियो का भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ज़रूर ये देखें मेरा वीडियो। तो दोस्तों फिर ये फॉर्म भरने के बाद यहाँ आप SSO से यहाँ राइट साइड कोना में क्रॉस का निशान है, यहाँ से आपको दबाना, यहाँ से अपने SSO है वो लॉग आउट हो जाओगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी है अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल देखना है तो आप सर्च बॉक्स में youtube.com/ज्ञानकुंज ग्रुप आप लगा सकते हो, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको शो हो जाएगा दोस्तों। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब है वो कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।